जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप तक प्रेषित किए जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाना है आपको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप जरूर क्लियर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर आपको दबाना है, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित फोर्स मैगजीन ने किस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेम जी को एशिया का सबसे उदार समाजसेवी घोषित किया है? तो जल्दी से बताएं, किस कंपनी के चेयरमैन को उदार घोषित किया गया है, वो भी एशिया के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विप्रो। विप्रो के चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, इन्हें जो है सबसे उदार, एशिया के सबसे उदार समाज से भी घोषित किया गया है। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन ने विप्रो कंपनी के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेम जी को एशिया का सबसे उदार समाज से भी घोषित किया है। अजीम प्रेम जी ने वर्ष 2019 में $760 करोड़, ₹52,750 करोड़ की वैल्यू के विप्रो के शेयर क्या किए, दान किए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे किया है, वो किया है प्रियंका चोपड़ा, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। प्रियंका चोपड़ा न केवल मनोरंजन और फैशन की दुनिया में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय हैं। जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने 2019 के पुरस्कार विजेता के तौर पर प्रियंका चोपड़ा के नाम की घोषणा की थी। डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार अभिनेता डैनी काय के नाम पर रखा गया है। वे एक अमेरिकी अभिनेता, नर्तक और गायक थे। वे यूनिसेफ के पहले सद्भावना दूत भी थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो प्रियंका चोपड़ा को डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन, जलवायु से संबंधित आपके बनने वाले हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है, जलवायु से संबंधित। तो ये हाल ही में जलवायु ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर आया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये आया है 5वें स्थान, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 अथवा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार वर्ष 2018 में जापान, फिलीपींस और जर्मनी सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश पाए गए। इसके बाद क्रमशः मेडागास्कर, भारत और श्रीलंका का स्थान रहा। रिपोर्ट के अनुसार विगत 20 वर्षों में कुल 12,000 मौसम संबंधी घटनाओं में लगभग जो है 5 लाख लोगों की मौत हुई है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन था कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है, तो ये 5वें स्थान पर, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, विजय माल्या के बाद में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है, तो वो किया गया नीरव मोदी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को प्रेविस सेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस कानून के तहत नीरव मोदी दूसरा भगोड़ा घोषित हुआ। जनवरी में PMLA कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया था, ठीक है। उसके बाद नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किया गया है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का जो है उद्घाटन किया है? तो अवंती मेगा फूड पार्क आपको याद रखना है, इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा।
यह मध्य भारत का पहला फूड पार्क 51 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। जिसकी जो निर्माण लागत है 150 करोड़ रुपए है। इसे मेगा फूड पार्क से लगभग 5,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इस पार्क में सोयाबीन, चना, गेहूं सहित अन्य खाद्यान्नों और सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अवंती मेगा फूड पार्क का जो उद्घाटन किया है वो किसने किया, हरसिमरत कौर ने किया है और कहां पर किया है, ये मध्य प्रदेश में किया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। केंद्र सरकार ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण हेतु निर्भया फंड से कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो कितने किए हैं, 100 करोड़ रुपए, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं केंद्र सरकार ने, ठीक है। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु यह बड़ा कदम उठाया है। यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सभी थानों में महिला सहायता डेस्क और एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत और किस देश के बीच इंद्र अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया जा रहेगा? तो इंद्र अभ्यास का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा रूस और भारत के बीच। तो विकल्प नंबर 4 जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इंद्र अभ्यास का जो है आयोजन किया जा रहा है रूस और भारत के बीच। इंद्र नौसेना अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी। यह एक त्रिसेवा अभ्यास है। इस अभ्यास में दोनों देशों की थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना हिस्सा लेते हैं। इस अभ्यास का आयोजन गोवा एवं पुणे में किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य नौसेना के बीच समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन के संबंध में आपसी समझ को विकसित करना है। तो ठीक है, जो इंद्र अभ्यास किया जा रहा है वो किसके साथ किया जा रहा है, रूस के साथ। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसरो ने किस राज्य के कुलसेकर पट्टिनम के साथ के पास थुतुकुड़ी में अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिए जो है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी? तो कहां पर कर दी है, तमिलनाडु ने। किसने, इसरो ने। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। के से बन इसके क्या है, अध्यक्ष है वर्तमान में। तो इसरो ने तमिलनाडु में जो है भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये कहां पर की है, तो तमिलनाडु में की है। ये चीज आपको याद रखनी है। नए अंतरिक्ष केंद्र इसरो के आगामी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लॉन्च के लिए जो है ये महत्वपूर्ण होगा। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी, ठीक है। इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो है उपयोग करना, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और फिलहाल जो तमिलनाडु में है यहां पर इसरो ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। तमिलनाडु यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डैनी का है मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को किया गया है, सभी को पता है, ठीक है। और भारतीय शटलर की कौन सी जोड़ी को बैडमिंटन पर्ड फेडरेशन के मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो किसे किया गया है, सात्विक चिराग, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। बैडमिंटन बर्ड फेडरेशन के मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया सात्विक चिराग को। थाईलैंड ओपन जीतने के साथ फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने वाली भारतीय शटलर सात्विक चिराग की जोड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस वॉल मेल और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसी भी भारतीय खिलाड़ी को नामित नहीं किया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जल्दी से आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है तो 7 दिसंबर को, ठीक है। 6 दिसंबर को हमने पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, ठीक है। भारतीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस और 6 दिसंबर को भीमराव
अंबेडकर स्मृति। अगला जो हमारा प्रश्न है, नेपाल में चल रहे साउथ एशियन गेम्स 2019 में भारत ने कितने मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया है? तो कितने मेडल जीते हैं भारत ने? भारत ने जीते हैं दोस्तों 77 मेडल, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। नेपाल में चल रहे साउथ एशियन गेम्स 2019 में भारत ने 77 मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने अब तक 36 गोल्ड, 28 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 28 मेडल भारतीय एथलीट ने जीते हैं। ठीक है, तो जो है नेपाल में साउथ एशियन गेम्स 2019 में भारत ने 77 जो है मेडल जीते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय संबंध खत्म करने का ऐलान किया है? तो वो किसने किया, वो किया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किए गए इस द्विपक्षीय संबंध के द्वारा दी जाने वाली राशि का उपयोग गरीब महिलाओं और लड़कियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, तो ये चीज याद रखनी है। और इसकी राजधानी है कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी याद करना है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय जो संबंध है वो खत्म करने का ऐलान किया है, ये चीज याद रखनी है। अगला प्रश्न है, यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक किसे वर्ष 2019 और दशक के सेक्सीएस्ट एशियन मैन की लिस्ट में पहला स्थान मिला है? तो किसे मिला है, वो मिला है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन यानी कि विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार के मुताबिक ऋतिक रोशन को वर्ष 2019 और दशक के सेक्सीएस्ट एशियन मैन 2019 की लिस्ट में पहला स्थान मिला है। वहीं 2019 में उनकी दो फिल्मों सुपर 30 और वॉर ने उनका चार्म बनाए रखा है। वहीं वर्ष 2019 के सेक्सीएस्ट एशियन मैन की लिस्ट में दूसरा स्थान शाहिद कपूर को मिला है और पहला स्थान किसे मिला है, तो ऋतिक रोशन को मिला है, ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों अब आपकी बारी है, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट के माध्यम से कि बैलन डीआर अवार्ड से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये चार विकल्प हैं, चार विकल्पों में से आपको कमेंट में लिखना है। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हमने पिछले वीडियो में दिया था और आपको जो है इसका उत्तर सही लिखना है, कमेंट के माध्यम से लिखना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, आपको भी कमेंट करना है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन आप दिख रहे हैं, तो इस प्रकार से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर आपको दबाना है दोस्तों। और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है, जहाँ पर हम सारे स्टडी मटेरियल जो है आपको प्रेषित करते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण कमेंट जो पिछले वीडियो में मेरे सभी प्रिय स्टूडेंटों ने उत्तर बताने का प्रयास किया है, तो देखते हैं। सबसे प्रथम अगर कमेंट की बात करें तो अलका जी ने ये कमेंट किया है, थैंक्स सर जी। और भी महत्वपूर्ण जो कमेंट है वो आप देखते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले रोहित कुमार जी ने भी कमेंट किया है, इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू रोहित कुमार जी आपको। मोहम्मद सलीम जी ने भी लिखा है और हर्षिता जी ने भी लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हर्षिता जी आपको धन्यवाद। खुशी कुमारी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सेव ने भी 25 से 5 टन, बिल्कुल नाइस वेरी गुड। और नेक पाटीदार ने भी लिखा है नाइस। और हिमांशु जी हमेशा कमेंट करते हैं, हिमांशु और हर्षिता ए देवेश शुक्ला जी सभी लोग करते हैं, तो हिमांशु चौहान जी ने भी लिखा है, सही बताया आपने। आर के आर ने भी सही बताया है, धन्यवाद आप सभी को। पिंटू यादव जी ने भी सही बताया, अंकित यादव जी और मोहम्मद सलीम जी, दिलीप कुमार जी, सभी लोगों ने सही बताया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कमेंट करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। सभी लोगों कमेंट में लिखने का प्रयास जरूर करें, जो भी हमारे भाई देखते हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाता है और साथ में सभी लोगों का भी इससे भला होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं देवेश शुक्ला जी जैसे, तो सभी लोगों का भला होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।